हूँ रिद्धि और आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। बीते दिनों मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल करडिले ने सभी स्कूलों का लिया जायजा और वही स्कूलों की तैयारियों में कमी दिखने के कारण स्कूल शुरू करने के संबंध में शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी 15 अगस्त तक पेश करने के लिए दिए निर्देश। एमएससीडीसीएल की भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण बेरोजगारों में असंतोष की लहर, गुस्साए बेरोजगारों ने ऊर्जा मंत्री के घर के सामने आत्महत्या करने की दी चेतावनी। गुगुशर में नेताओं की बर्थडे पार्टी सुर्खियों में, 1 अगस्त को भाजपा नेता शरद गेडाम की बर्थडे पार्टी पर पुलिस के आते ही मची अफरा तफरी। अब देखना यह है कि कोरोना के पार्श्वभूमि पर क्या होगा राजनीतिक बल का उपयोग। बता दें कि इस बर्थडे पार्टी में 30 से 40 पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे शामिल। ब्रह्मपुरी के नागरिकों को मौत भी पड़ रही है महंगी, 2 स्वर्ग रथ में से एक बना मालवाहक तो वही दूसरा भंगार में है पड़ा। नागरिकों की इस मांग पर नगराध्यक्ष उराडे की प्रतिक्रिया कि कोरोना के पार्श्वभूमि पर सभी काम ठप पड़े, इस कारण ब्रह्मपुरी वासियों की इस समस्या को जल्द ही हल करने में लगेगा समय। प्यार में सब कुछ माफ, एक अंधी प्रेम कथा। वैद्यकीय छात्रा ने अपने प्रियकर और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी करने की रची साजिश। 13,21,000 रुपए की चोरी किए आरोपी का नरपोली पुलिस ने महज 24 घंटों में किया पर्दाफाश। सुशांत सिंह के मामले में मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस, सुशांत सिंह मामले की जांच करने आई बिहार पुलिस को किया क्वारंटाइन, बिहार पुलिस का मुंबई पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए कोरोना संक्रमित, गुरुग्राम में मेंदाता अस्पताल में हुए भर्ती, हालांकि हालत है स्थिर। और वही उत्तर प्रदेश की महिला कैबिनेट मंत्री कमल रानी का कोरोना से हुआ निधन। कोरोना काल में बड़े आर्थिक संकट को लेकर शिवसेना ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा कि यदि नौकरियां जाने की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो देश में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग सकते हैं इस्तीफा। आज देश भर में हर तरफ मनाया जा रहा है राखी का त्योहार, मगर वही कोरोना का इस त्योहार पर भी जद। आज कहीं भाई बहनों में है खुशी तो कहीं कलाई सुनी होने का गम, क्योंकि कोरोना काल से यातायात भी है ठप। विश्व में कोरोना का कहर जारी, अब तक संक्रमितों की संख्या हुई 1,82,00,000 से अधिक, तो वही 6,92,000 से भी ज्यादा लोगों ने गवाई जान, जबकि 1,14,00,000 से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें फटाफट, मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ, आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।